हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करके एक सीरीज शुरू की है। आज उस सीरीज का क्वांट का पहला सेशन है। इसमें दो या तीन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस एग्जाम लेवल के होंगे, मेमोरी बेस्ड भी हो सकते हैं या उसके आसपास के कोई दूसरे क्वेश्चन बनाए हो सकते हैं, बट सभी एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे। न उनका लेवल एग्जाम से ऊपर होगा न नीचे होगा। और आप जब भी इस सेशन को सोल्व करें खुद से तो टाइमर लगा के करें ताकि आपको पता चले कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको कितना तो टाइम लग रहा है और क्या आपका एक्यूरेसी लेवल रहेगा। इस साल जो भी एग्जाम्स हो रही है उनमें कट ऑफ काफी ज्यादा रह रहा है और एक्यूरेसी लेवल भी बहुत मैटर करने लगे। तो इस सेशन के पीछे मेन मोटिव ही आप यही है कि एक तो आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल असेस हो जाए और उस लेवल के क्वेश्चंस को करने में आपको कितना टाइम लगता है। आज का जो सेशन है इसमें ये कैसलेट डीआई के कुछ क्वेश्चंस हैं, दूसरे सिंप्लीफिकेशन के, और ये दोनों ही आपके एसबीआई क्लर्क इस साल का जो प्री का एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का 2018 का उसी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। सो इस सेशन को जब भी आप सोल्व करें तो टाइमर लगा के करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम लगा, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या। चलो सेशन शुरू करते हैं। पहला देखिए, उसमें एक कैसलेट डीआई दिया है। स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल हैव एन ऑप्शन टू स्टडी आइदर ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ्स और बोथ। मतलब क्या दिया उसमें कि बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं या दोनों पढ़ सकते हैं, राइट। आउट ऑफ 175 स्टूडेंट्स इन द स्कूल टोटल 175 बच्चे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:4 का है। तो यहीं से आप निकाल लीजिए, 7 पार्ट की वैल्यू 175 है तो एक पार्ट की वैल्यू 25 होगी, और तो बॉयज तो हो गए 75 और गर्ल्स होगी 100। ये आपके यहां से निकल गया। अब आगे 3:4 इस पर बॉयज एंड गर्ल्स आर इन, इसका मतलब यहाँ क्या आपको बॉयज मिलेंगे, गर्ल्स मिलेंगे और एक दोनों मिलके भी हो सकता है या टोटल हो जाएगा बॉयज और। तो आपके पास बॉयज की संख्या टोटल की आ गई 75, गर्ल्स की टोटल की आ गई 100 और पूरे मिला के 175 हैं अगर जरूरत पड़े तो। अब आगे जैसे ही वो 40% ऑफ द बॉयज ऑप्टेड ओनली फॉर इंग्लिश, 40% ऑफ बॉयज 75 का 40%, 75 का 10% 7.5 है तो 40, 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, मतलब 7.5 का 4 गुना तो 30 है वो ओनली इंग्लिश वाले, यहां आप नोट कर लीजिए। 44% ऑफ द स्टूडेंट्स, 44 ऑफ स्टूडेंट मतलब 44% ऑफ 175, 44% ऑफ 175 ऑप्टेड ओनली फॉर मैथ्स, मतलब 44% ऑफ द स्टूडेंट मतलब ओनली मैथ्स का जो टोटल होगा ये 44% ऑफ 175 है। तो 175 का 40% क्या होगा भाई, 10% 17.5 है तो 17.5 को 4 से गुणा कर लो तो 17.5 को 4 से करोगे 17 चौके 68 और दो और जुड़ गया 70, 40% 70 आया तो 44 क्या हो जाएगा 1/10 और जोड़ दो 70 + 7 तो ये हो गया 77, तो 77 है मैथ्स का टोटल, मैथ्स का टोटल 77 है। आउट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 32% ऑप्टेड फॉर बोथ द सब्जेक्ट, गर्ल्स 100 थी, 100 का 32% 32 हो गया और 32 ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं इंग्लिश और मैथ्स। द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर ओनली मैथ्स, बॉयज में जो मैथ्स ली जिन्होंने और जिन्होंने एंड बोथ सब्जेक्ट आर इन द रेशियो 2:1, अगर इसको मैं 2K मानू तो ये हो जाएगा। ये आपके पास डिटेल है। अब आप इसमें देखें कि ये अगर मैं इनको जोड़ लूं 30 + 2K + K तो ये कितना होगा 75 पे टोटल बॉयज, तो K की वैल्यू आपके पास 15 आ गई क्योंकि 75 में से 30 45, 3K 45 और K की वैल्यू 15, तो ये मैथ्स वाले कितने आ गए 15 × 30 और बोथ वाले बॉयज आ गए 15। अब देखो आप ये 30 है और टोटल 77 है तो ये आ गई गर्ल्स आ गई 47। अब ये 47 और 32 तो 77 × 2 = 79 और टोटल है 100 तो ये होगी 100 − 79 = 21। अब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास। अब चलिए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड ओनली फॉर बॉयज ओनली फॉर इंग्लिश और किसके साथ नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड बोथ सब्जेक्ट, ये आपसे पूछा गया। अब बॉयज इंग्लिश के बॉयज कितने हैं 30 हैं और गर्ल्स बोथ की कितनी है 32 है तो 2 से आप कैंसिल आउट कर लो 15:16 को टिक करें। आगे नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बॉयज
हैव ऑप्टेड फॉर बोथ दी सब्जेक्ट, मतलब बॉयज बोथ का, बोथ के बॉयज कितने हैं, आप बोथ के बॉयज देखिए तो डायरेक्ट आपको मिल रहा है आपके टेबल से 15 है, 15 को टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स ऑप्टेड ओनली फॉर मैथ्स, गर्ल्स मैथ्स की कितनी है, तो आप गर्ल्स की मैथ्स की देखेंगे तो आपको डायरेक्ट उस टेबल से पता चल रहा है 47 है, 47 को टिक करें आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड ओनली फॉर मैथ्स, बॉयज मैथ्स की इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स, जिसने फॉर ऑप्टेड ओनली फॉर, ये ओनली है यहां ओनली फॉर, जो लड़कियां सिर्फ मैथ्स में आई, और देन किसके लगा, इज लेस देन, देन लगा गर्ल्स के, तो गर्ल्स ही आपका डिनोमिनेटर में आ गया और परसेंटेज निकालनी है 100 से गुणा हो गया। अब मैथ्स के बॉयज कितने हैं, 30 है, और गर्ल्स जो मैथ्स की हैं ये 47 है, और बटा 47 और गुणा 100, तो ये माइनस तो आपके इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लेस है, तो 17/47 गुणा 100। अब आप इसमें देख लीजिए 36-38 बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें करना ही पड़ेगा, 1700 को अगर आप 47 से करेंगे तो 41, तो 141 29 बच गया, 290, अगर इसको 6 से करोगे 6 चौके 24 240 और 6 7 42 282, तो ये आप देख रहे हो कि आस पास 36 के आ गया, तो 36% को देखें और टिक करें आगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड ओनली इंग्लिश, नंबर ऑफ बॉयज इंग्लिश इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, परसेंटेज निकाल लिए 100 से, बॉयज इन इंग्लिश कितने हैं, 30 है, और टोटल कितने हैं, 175 है, और 100 से आप गुणा कर दीजिए, 25 7 175 और 25 चौके 100, तो अगर आप इसे देखें 30 चौके 120 बटा 7, तो इसमें 7 एकम 7 और 7 7 49, 17 7 119 होती है, अप्रोक्सीमेट 17% के आसपास आप देखें आगे। अब ये कैसलेट यही था, अब नेक्स्ट आपका कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ये भी एस्पेक्ट फैक्ट्री 2018 की मेमोरी बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में भी जब आपके सभी ऑप्शन दिए हैं, नन ऑफ दीज नहीं है, तो आप सर्टेन अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ये दिया 66% ऑफ 546 माइनस 43% ऑफ 434। अब आपको पता है 66% को आप 2/3 ले सकते हैं, 2/3 क्या होता है, 66.67%, ये 2/3 है, तो इसको मैं 2/3 ले लेता हूं, 2/3 गुणा 546 और माइनस 42.85% जो आपका है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/7 होती है, इसको मैं 3/7 ले लेता हूं, 434, और जो आए वो उसी को अप्रोक्सीमेट। अब आपको पता है कि आपने 66% लिया, 66% को 2/3 लिया, ठीक। अब इसमें देखोगे आप 3 182, भैया 18 हो गया, 3 × 6 182 हो गया, 182 का डबल कितना हो गया, 364 माइनस, यहां देखोगे 7 6 42, 7 × 14 और 62 186। अब इसको अगर 364 नहीं करके आप 2 × 182 रखते एक बार, तो आप देख रहे हैं कि 2 182, तो 1 182 में से 186 गया, माइनस का 4 बचा और दूसरे में गया, तो 178 और 178 आपको पता है कि आपने 2/3 लिया इसको। अब इसमें ये था तो 66%, आपने इसको माना 66.67, हालांकि आपने 43% है, इसको आपने क्या माना, 42.85%, तो आपने एक तरह से जो आपकी वैल्यू आई है वो बढ़ी हुई आई है, उससे कम वैल्यू है, तो 178 से ऊपर वाले ऑप्शंस तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, 180 नहीं आ सकता, 178 से थोड़ा कम आएगा लेकिन बहुत कम नहीं आएगा, आप इससे देख रहे हो कि 3-4 नंबर कम आएगा, तो 173.74 को टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, 13.33 33.31 + 331.13 = ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आया है। अब आप इसमें देखिए, नन ऑफ दीज का अलग ही ऑप्शन है, लेकिन इतनी रिस्क आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये 0.33, 0.31 और 0.13 को जोड़ते हैं तो आपको दिख रहा है 33 और 31,
30 और 30 60 और 10 70 और 3 और 1 4 और 3 7 मतलब 77 आपका 0.77 टोटल हो रहा है। 0.77 देखते ही आप ऑप्शन ए को टिक कर दे, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। हाँ अगर आपको फिर भी रिस्क लग रही है तो आप यहां जोड़ लें, टेंस डिजिट तक एक साथ जोड़ लें, 33 और 3 36 और 1 37 तो 370 प्लस यूनिट डिजिट आप जोड़ोगे तो 3 और 3 6 और 1 7 377 377.77 फिर भी आपका वही आएगा। नेक्स्ट देखिए 135% ऑफ 480 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 320 इज इक्वल टू 728। अब आपको पता है कि 135% ऑफ 480 728 में से घटना, तो आप डायरेक्ट क्या करें x परसेंट, तो x बटे 100 गुणा 320 इज इक्वल टू 728 माइनस 135% ऑफ 480, तो 480 का 135% को 150 माइनस 15% करो हमेशा, तो 150% क्या आ जाएगा इसका, 480 का डेढ़ गुणा तो 720, और जब 150% 720 है तो 15% उसका 1/10 बेहतर, तो 720 माइनस बेहतर, जब ये इस तरफ जाएगा तो 720 तो आपका हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। अब 720 और 728 को जब आप काटोगे तो सिर्फ 8 बचा, 8 और बेहतर जुड़ के हो गया 80, तो 80 x बटा 100 और गुणा 320, 80 4 और ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ गई 25%, तो 25 आप इसमें देख लो है ऑप्शन डी इज राइट। हालांकि आप जब एग्जाम में करो तो यहां भी नहीं आओगे, जैसे ही आपको 80 दिखा आप यहीं से इसको कैंसिल आउट करोगे और ये 25 निकाल दो। नेक्स्ट देखिए 2/8 और 4/7 और 7/9 738। अब आपको ये दिख रहा है कि 2/8 गुणा 4/7 गुणा 7/9 और गुणा 738 इज इक्वल टू एक्स, ये है। अब इसमें 4 दुआ 8, 8 हिस्से कट गया, 7 7 ये कट गया, 9 8 72 और 9 दुनी 18 82, 82 को आप टिक करें और आगे बढ़े। लेकिन जब आप एग्जाम में आप करें तो आपको ये दिख रहा है कि 8 8 कट रहा है, 7 7 कट रहा है, सीधा आप लिखेंगे 738/9 और इसको 82 निकाल। नेक्स्ट देखिए 2/3% ऑफ 1/3 ऑफ 0.5% गुणा 1/4 मतलब ऑफ भी गुणा है ये भी गुणा। अब आपको दिख गया कि दो जगह परसेंटेज है, दो जगह परसेंट है मतलब बटा 100 बटा 100 दो जगह आएगा, उसके अलावा 2 से 2 कटेगा, 3 3 9 6 54 और 54 के आगे 4 सिफर लगेंगे। अब 54 के आगे आप देखो 4 सिफर है क्या, नहीं है, बिना पेन खोले आप नन ऑफ दीज करेंगे। फिर भी अगर आपके नहीं आया तो देखिए 2/3% परसेंट का मतलब 1/100 गुणा 1/3 गुणा हाफ परसेंट के लिए 1/100 और गुणा 1/6 इज इक्वल टू एक्स आपका। तो आप देखेंगे ये दो दो से कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 9 6 54 और ये आ गया आपका 54 के आगे 4 सिफर। अब आप इसमें देखें तो 54 के आगे 3 सिफर है, 2 सिफर है, 1 सिफर है, लेकिन 4 नहीं है, नो दीज आपका आंसर है। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको इसी तरह के सेशन पसंद आते हैं तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके सेशन लेना अगर बेटर लगता है तो वो भी आप कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स रेगुलर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ